my loves, welcome back to my channel. I hope you all doing well. So in this video guys, I'll be talking about a newly launched brand. It's an Indian brand and the name is Earth's Rhythm. So agar aap Instagram pe active hain to aapko pata hoga ki iske kafi sare products hain jo aajkal bahut hype pe hain. YouTube pe thoda kam hua hai iske products ka, lekin ye Instagram pe kafi zyada hai. So maine bhi socha chalo jo do teen products hain, let's try them ki kaise hain. सच में जो हाइप हो रही है, जो हाइप हो रही है इन प्रोडक्ट्स की, वो सच में हाइप होने लायक है या नहीं है. सो मैंने जो प्रोडक्ट पिक करे हैं मैं फटाफट बता देती हूँ. एक मैंने लिया है इनका अर्थ रिदम का क्लिनजिंग बाम. इट इज़ विद प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट. आई थिंक दो और वेरिएंट्स में भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने ये वाला पिक किया बिकॉज ये ज़्यादा हाइप्ड है. एंड सेकेंड थिंग जो मैंने पिक करी है वो है इनका ये कॉटन बफ. एंड थर्ड थिंग मैंने पिक किया है इनका लिप बाम. सो लिप बाम का रिव्यू हम बाद में करेंगे बिकॉज मैंने वो यूज़ नहीं किया है. सो आज मैं इन्हीं का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को एक बार हिट कर दें एंड बेल बटन को भी क्लिक कर दें सो दैट आप कभी मेरे वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ. एंड अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फटाफट आइए और मुझे वहाँ पर फॉलो कीजिए, बिकॉज इस तरह की जो चीज़ें हैं कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट लिया है एंड ऑल दैट स्टफ, वो मैं वहाँ पे आपको स्टोरीज पे शेयर करती हूँ. एंड ऑफकोर्स पोस्ट के थ्रू भी शेयर करती हूँ कि आई गॉट दिस न्यू प्रोडक्ट्स एंड वट एवर सॉर्ट्स. जो भी मुझे चीज़ें बतानी होती हैं मैं आपको वहाँ पे अपडेट्स दे देती हूँ, सो दैट यू नो आप भी अपडेटेड रहेंगे कि आगे कौन से रिव्यू आपको देखने को मिलेंगे. सो जस्ट फॉर दैट सेक, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, नहीं है तो आ जाइए, कोई बहुत ज़्यादा उसमें लगता नहीं है. आपको इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना लीजिए एंड देन आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रोडक्ट आई एम गोना टॉक टुडे इज दिस क्लिनजिंग बाम फ्रॉम अर्थ्स रिदम. दिस वन इज इन द वेरिएंट दिस प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट. वेरी वेरी इको फ्रेंडली पैकेजिंग, देयर इज नो प्लास्टिक यूजेज एट ऑल. एंड अंदर आप देखेंगे तो ये आप देखो बिल्कुल ऐसे घी और बटर जैसा फील होता है. आप देख सकते हो मैंने इसको कितने हद तक यूज़ कर लिया है. एंड दिस प्रोडक्ट रिटेल्स फॉर 599 रुपीज़ फॉर 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट. एंड इनसाइड की बात करूँ तो आप देख सकते हो ये अंदर इस तरह के बटर और घी जैसा अंदर फील होता है. बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा यू नो लिक्विड और रनी टेक्सचर में भी नहीं है. बहुत एक परफेक्ट टेक्सचर है जो एक क्लिनजिंग बाम का होना चाहिए. एंड गाइज मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ पिछले 1 वीक से. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि मैंने ये किस दिन लिया था. और उसके बाद मैंने आप लोगों से एक पोल लिया था. मैंने को पूछा था कि आपको इसका फर्स्ट इंप्रेशन पहले देखना है या आपको इसका फुल फ्लेश्ड रिव्यू देखना है. तो अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि आप फुल फ्लेश्ड रिव्यू ही दे दीजिए एक साथ. सो नाउ इट्स बीन अ वीक जब मैं इसको डेली वे में यूज़ कर रही हूँ फॉर डेली क्लेंजिंग. लाइक डेली में मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाया होता है तो उसको ये बहुत अच्छे से रिमूव करता है. जब भी मैं डबल क्लेंज करती हूँ आई फील मच मच बेटर. स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होती है, बहुत अच्छे से क्लीन फील होती है, पोर भी अच्छे से क्लीन नज़र आते हैं एंड पोर मिनिमाइज भी होते हैं. बट मैंने इसको विद मेकअप मैंने अभी तक नहीं यूज़ किया है, वो मैं आज करूँगी आप लोगों के सामने लाइव. नाउ लेट्स सी व्हाट दिस प्रोडक्ट क्लेम्स. नाउ दिस ब्रांड सेज दैट दिस क्लिनजिंग बाम इज़ गॉना हेल्प इन रिड्यूसिंग द पिगमेंटेशन. इफ़ यू हैव एनी इन्फ्लेमेटरी रेडनेस उसको ये सूद करेगा. इट गॉना बूस्ट योर कोलेजन प्रोडक्शन. एंड अगर एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं तो उनसे भी ये प्रोटेक्ट करेगा. एनवायरमेंटल एग्रीगेशंस लाइक पोल्यूशन, सनलाइट, रेडिएशंस, उन सबसे आपको प्रोटेक्ट करेगा. एंड इट हैज़ हीलिंग प्रॉपर्टीज, इट इज़ एंटीसेप्टिक एंड इट गॉना बैलेंस, heal and soothe your problematic skin. And it's also gonna accelerate the rate of cell growth and it gonna decongest your pores. Means ये आपके cell growth को promote करेगा, आपके pores हैं उनको unclog करेगा, आपको protect, आपको environmental factor से बचाएगा and it has antibacterial and antiseptic properties as well. सो अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि ये मेकअप को कितने अच्छे से रिमूव करता है. अगर मेकअप को ये अच्छे से रिमूव कर देगा देन हे गाइस, सो अभी मैं ये मेकअप रिमूव करने वाली हूँ. आई हैव दिस वाटरप्रूफ मस्कारा एंड दिस वाटरप्रूफ लाइनर ऑन एंड देयर इज दिस लिक्विड लिपस्टिक. सो वी गोना सी कि ये इस मेकअप को कितने अच्छे से रिमूव करता है, बिकॉज नाउ इट्स बीन 1 or 2 वीक्स जब से मैं इसको
डेली क्लेंजिंग में यूज कर रही हूँ, बट मेकअप के लिए आज हम देखेंगे कि कितनी इफेक्टिवली मेकअप को रिमूव करता है. सो दैट्स हाउ दिस प्रोडक्ट लुक्स लाइक. नॉट एट ऑल वेरी थिक, नॉट एट ऑल वेरी रनी, बट एज यू कैन सी अभी ये मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे. सो बिल्कुल जो इसका टेक्स्चर है वो बिल्कुल बटर और घी जैसा ही है. लेट मी शो यू. कैन यू सी दिस? इट्स वेरी वेरी स्मूथ ऑन द स्किन. कैन यू सी? यस. सो आई एम गोना अप्लाई दिस लाइक दिस एंड देन वी गोना मसाज इट. यस. सो आई डोंट नो, मैंने किसी का वीडियो देखा था, उसमें इट लुक्स लाइक यू नो बहुत ज्यादा हार्ड है, बट यू सी इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट ऑन द स्किन. कैन यू सी दिस? सो वी गोना मसाज इट. So as you can see, फेस मेकअप काफी अच्छे से मेल्ट डाउन हो गया है. नाउ लेट्स सी कि लिपस्टिक को कितने अच्छे से रिमूव करता है. कैन यू सी? या. एंड नाउ लेट्स सी आई मेकअप कितने अच्छे से रिमूव होता है. I'm being very gentle on my eyes because I don't want to hurt my eyes much. But you can see जो waterproof liner था वो बहुत easily remove हो गया है. अब बस waterproof mascara रह गया है. Let's emulsify this. It do stink in the eye, man. Alright, so now I'm gonna take this pad. Eyes are little bit sensitive, that's why आप देख सकते हो यार मुझे stink किया है eyes में, eyes के आसपास. But you can see it has removed all the makeup. Oh my god, yes. Can you see this waterline का काजल? Let me try with this cotton. Very light handed, don't be so harsh. I'm not being harsh. Oh my god, look at this. So I have removed every bit of makeup. You can see सारा मेकअप बहुत ईजिली बाहर आ गया है. देर इज नथिंग इज लेफ्ट. वाटर लाइन का काजल भी बहुत अच्छे से रिमूव कर दिया है इसने एंड लिक्विड लिपस्टिक. एवरी बिट ऑफ मेकअप इज आउट. सो या आई जस्ट लव दिस वन. बट थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है कि आईज में हल्का सा स्टिंग करता है अगर बाई चांस आईज में चला जाए. सो जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा यहाँ पे जब आईज के आसपास करें तो थोड़ा ध्यान से करें. रेस्ट you can see nothing is left on my face. So now I'm just gonna wash my face with a face wash and then I'm done. Alright guys, so I have washed my face with the face wash, of course double cleanse, and now I can see, oh my god, my face looks so clean. I mean touch karne pe feel ho raha hai, it's so clean and koi leftover nahi hai, nothing as such, and bahut soft feel ho raha hai. I just love this. There is no chip chip, there is nothing at all, and it do remove every bit of makeup. You can see there is nothing is left after double cleanse. So yeah,
If you are looking for a good makeup remover or a cleansing balm, definitely you can go for this one. You can check this one out. I really like it a lot. So that is it guys. I hope you found this video helpful. Video helpful लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए. मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.